एक बहुत ही मार्मिक प्रेरणा कथा, प्रभु का शुक्रिया। 1912 में जब दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक पहली बार विश्व यात्रा पर निकलना था, एक व्यक्ति ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस जहाज की 4 टिकटें खरीद ली, 2 पति पत्नी के लिए और 2 बच्चों के लिए। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो दुनिया के चंद लोगों में से होने वाले थे जो जहाज की पहली बार सवारी करके इतनी लंबी यात्रा करने वाले थे। तैयारियां होने लगी और घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। दुर्भाग्य के एक दिन परिवार के एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। वो बच्चे को पीछे अकेला छोड़कर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, बहुत समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। पत्नी ने पति की मनोस्थिति को समझते हुए कहा, ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही चले जाइए, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। पति ने बहुत सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने जीवन भर की जमा पूंजी टिकटों पर खर्च कर दी थी और यात्रा की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। आखिर उसने भी यात्रा पर न जाने का फैसला किया और परिवार के साथ घर पर ही रह गया। उसने कुत्ते को भी सजा दी और उसको 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया। उस कुत्ते के कारण ही उसका इतना शानदार कार्यक्रम खराब हो गया था। एक हफ्ते के बाद खबर आई कि टाइटैनिक जहाज डूब गया था। यह खबर सुनकर पहले तो वो व्यक्ति खूब रोया और उसने अपने कुत्ते को गले से लगा लिया और उसको बेतहाशा चूमने लगा और प्यार करने लगा। कुछ दिन बाद जब उसने अपना नया कारोबार शुरू किया तो उसने उस नए कारोबार का नाम अपने कुत्ते के नाम पर रखा। सच में ही कभी कभी ऐसा कोई कारण बन जाता है कि आपकी बनी बनाई योजना पल भर में ही धराशायी हो जाती है। असल में ये भी उस परमात्मा का एक जरिया मात्र होता है कि शायद उन रद्द हुई योजनाओं में भी आपकी कोई भलाई हो। इसलिए हम तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें हर समय हर हाल में उस प्रभु का शुक्रिया करते रहना चाहिए, फिर चाहे हम दुख में हो या सुख में। दुख में तो सभी प्रभु को याद करते हैं, इसीलिए तो कबीर जी ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो हमारी इन छोटी छोटी कहानियों को अपने लोगों के साथ साझा कीजिए और खास तौर पर अपने बच्चों को सुनाइए। प्रभु आपके अंग संग सहायी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।